सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है स्वाति और आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं मार्कशीट के आगे वाले ऑप्शंस। एंड इसमें हमें अभी ग्रेड एंड रिजल्ट निकालना है, जो कि हम किससे निकालते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ कंडीशन हम तब लगाते हैं जब हमें किसी भी चीज पे लॉजिकल टेस्ट लगाना होता है। सो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, इफ कंडीशन से। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ये बॉक्स बना लिया है इफ कंडीशन लिख के, तो हमें करना क्या होता है, इफ कंडीशन होता क्या है। पहली बात, इफ कंडीशन वो होता है जैसे कि पर्टिकुलर पर्सन का नाम 5 या 6 बार आ रहा है, तो हमें उस रेंज में से नेम को काउंट करना है कि नेम कितनी बार आया है, उसका स्टेटस निकालना है। तो हम कुछ इस तरीके से उस इफ लॉजिकल टेस्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। पहले हम अपने सीरियल नंबर देंगे, सीरियल नंबर दे दिया हमने 1। उसके बाद हम इस पे इस तरीके से आएंगे, क्लिक करके फिर सीरीज कर देना है हमने। अब हम यहाँ पे नाम राइट डाउन कर लेते हैं, कोई सा भी नाम लिख सकते हैं हम, जो भी हमारा मन करे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इधर नेम की कॉपी करेंगे। सबसे पहले तो शिफ्ट के साथ हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं एंड कंट्रोल वी से हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे नेम लिख लिए हैं। उसके बाद हमें अब स्टेटस देना है इसको। स्टेटस हम कैसे देंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, स्टेटस हम निकालेंगे। इफ कंडीशन हम क्यों लगाते हैं, फॉर लॉजिकल टेस्ट। जब हमें कोई लॉजिकल टेस्ट लगाना होता है तब हम यूज़ करते हैं इसका। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब लॉजिकल टेस्ट का मतलब ये है कि जैसे जहाँ पे खुशी का नेम है, जहाँ पे मैंने पर्टिकुलर एक खुशी का नेम दिया है, यहाँ पे यस आए, ओनली यहाँ पे यस आए, बाकी हर जगह पे नो आए। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इज इक्वल टू में इफ लगाना है। टैप किया मैंने, एरे ओपन हो गया, लॉजिकल टेस्ट हमारा अब लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है। तो लॉजिकल टेस्ट मैंने लगाया किस पे है, पहले मैं ये दूंगी, इस पे लगाया है। तो इस सेल को रखना किसके बराबर है, तो हम यहाँ पे रख देंगे। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारा इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ करा, अब कॉमा देंगे। अब ये कॉमा लगाते ही हम वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू जब हमारी ट्रू होगी तो हमें क्या चाहिए, यस, इन्वर्टेड कॉमा के साथ ही लगाना है टेक्स्ट में। ऑन ऑफ कर दिया उसके बाद कॉमा। अब इफ वैल्यू, वैल्यू इफ ट्रू पे आ गया है डार्क मोड जो है, तो अब हमें क्या चाहिए, वैल्यू इफ फॉल्स हो तो हमें क्या चाहिए, नो चाहिए। तो इन्वर्टेड कॉमा में नो लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में नो लिखने के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा ऑफ किया एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड जब उसके बाद हम एंटर करेंगे, शिफ्ट के साथ डाउन एरो करेंगे एंड कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे, तो कुछ इस तरीके से जहाँ पे खुशी नाम लिखा होगा वहाँ पे यस आएगा, अदरवाइज जहाँ पे किसी और का नाम है तो वहाँ पे नो आएगा। अब जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाला नाम हटा दूँ, मैं यहाँ पे खुशी राइट डाउन कर दूंगी, तो यहाँ पे यस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो लॉजिकल टेस्ट का यूज हम कुछ इस तरीके से करते हैं। इसके बाद जैसे आपसे कोई कहे कि जैसे हमने यस और नो लगाया है, मुझे एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे यस चाहिए, मतलब यस या नो या ट्रू या फॉल्स जो भी, या कोई कलर नेम भी बोल दे कि मुझे इसके नाम पे कोई कलर का नेम चाहिए, बाकी सारे कॉलम ब्लैंक्स चाहिए, तो ब्लैंक में क्या करते हैं हम, जैसे किसी को ब्लैंक में चाहिए कि जिसका नाम दिया जाए सिर्फ उसी पे आंसर है, बाकी सबके जो कॉलम्स हैं वो ब्लैंक हैं, तो उस पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले इज इक्वल टू में इफ लगाना है हमें। टैप कर दिया हमने, लॉजिकल टेस्ट देना है। आप नाम किसी का भी ले सकते हो, जैसे कि अभी मैंने खुशी का नाम लिया था तो मैं ऊपर वाला से लिया था मैंने। अगर मुझे अब कोई दूसरा नाम, जैसे मैं अर्जुन नाम ले लेती हूँ अब इसके बराबर में, तो ये नहीं है कि मुझे अर्जुन वाला सेल सेलेक्ट करना है, मुझे हमेशा सेल ऊपर वाली, जो हमारी ऊपर वाला रेंज है उसी में से सेलेक्ट करना है, उस हिसाब से निकाला जाएगा। अब जैसे मैंने ये ऊपर वाला सेल ले लिया है, मुझे इसके उसको अर्जुन के बराबर रखना है, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ कर देंगे। वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू है तो मुझे क्या चाहिए, मैं ट्रू ले लेती हूँ।
यहाँ पे हम ट्रू ले लेते हैं, और वैल्यू इफ फॉल्स है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉलम ब्लैंक करने हैं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं उसमें। तो हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ कर देंगे कुछ इस तरीके से, एंटर कर देंगे। अब हम जब शिफ्ट के साथ नीचे प्रेस कर, ये ध्यान रखना है कि हमने फॉर्मूला यहाँ से लगाया है तो हमें शिफ्ट के साथ यहीं से पूरा स्क्रॉल करके नीचे लेके जाना है। तो अब हम जब कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो जहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जुन का नेम लिखा है वहाँ पे ट्रू आया है, एंड जहाँ पे अर्जुन का नाम नहीं है वहाँ पे कॉलम जो है हमारा ब्लैंक आया। अगर हम इसे भी चेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अर्जुन नाम लिख के कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई कहे कि यहाँ फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा है, तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाएंगे एंड F2 से ओपन करके दिखा देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद कोई आपसे ये कह दे कि मुझे खुशी के, मतलब कोई सौरभ के नाम पे मुझे कलर चाहिए एंड सुमित के नाम पे कलर चाहिए, तो दो लॉजिकल टेस्ट कैसे लगाते हैं, टू लॉजिकल टेस्ट हम अलग उसमें सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जैसे स्टेटस निकालना है मुझे, तो इफ लगाएंगे सबसे पहले। लॉजिकल टेस्ट हमारा हमेशा ही रहेगा चाहे किसी का भी नाम निकालें हम। ये सेल मुझे रखना है सौरभ के नाम के बराबर, अगर आपसे कोई कह दे कि मुझे इसके नाम पे ये कलर चाहिए, जैसे रेड कलर चाहिए बस, और बाकी सब पे ब्लैक, तो हम क्या करेंगे, जो सेल ट्रू वैल्यू में हमेशा वो देंगे जो हमें चाहिए, और फॉल्स वैल्यू में वो चाहिए वो देंगे जिसके नाम के आगे हमें जो पर्टिकुलर हमने लुकअप वैल्यू दी है उसके नाम के आगे जो नहीं चाहिए वो हम फॉल्स में डालेंगे। तो हमने ब्लैक फॉल्स में डाला है क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें दूसरों के नाम पे चाहिए, लॉजिकल टेस्ट वाले में हमें रेड कलर चाहिए, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर। तो कुछ इस तरीके से हम इसको स्क्रॉल करते हुए लेके जाएंगे एंड कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इस लॉजिकल टेस्ट इफ कंडीशन का यूज करते हैं। अब ग्रेड एंड जो रिजल्ट है वो हमारा इफ लॉजिकल टेस्ट को ही लगा के निकलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डबल इफ कंडीशन हम कैसे लगाते हैं एंड कैसे उसका यूज करते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।